हेलो गाइस, तो वैसे आप सभी लोग आ गए हूँ मैं न्यू वीडियो में। आरडी शर्मा क्लास 7 फ्रैक्शंस आज करने वाले हम 2.1 एक्सरसाइज 2.1। सब्सक्राइब, उसके पहले आप सब्सक्राइब मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, सब्सक्राइब कर देना गाइस, जल्दी से सब्सक्राइब कर देना गाइस। चलिए पहले फ्रैक्शंस को पढ़ने से पहले हम फ्रैक्शंस क्या होता है उसको समझ लेते हैं। फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। जो फ्रैक्शन होता है वो नंबर का पूरा रिप्रेजेंट करता है कि वो होल में पूरा रिप्रेजेंट करता है, वो मतलब दिखाता है। द होल में भी सिंगल ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, जो होल होता है मतलब होल नंबर होते हैं वो सिंगल भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑब्जेक्ट भी होते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, पहला वाला। कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय यूजिंग द सिंबल दिस और दिस और दिस। ऐसे इसमें इसको सिंबल करना है, ठीक है गाइस। चलिए शुरू, फर्स्ट वाला क्या है, 7/9, 8/13, कौन सा सिंबल लगेगा इधर, कौन सा सिंबल लगेगा इसमें, इसमें कौन सा सिंबल लगेगा, क्योंकि इसमें ये छोटा है इसलिए तो ये वाला सिंबल लगेगा। उसमें 7 से इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो गाइस आप। सेकेंड वाला बता दो, 11/9 और 5/9, 11/9 है और 5/9 है, तो 11 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यूमरेटर बड़ा जो होता है वही उस तरफ जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड पे। थर्ड है अपना 37/14, 37/41, और ये आएगा ऐसा सिंबल 37/41 एंड 19/30। तो इसमें क्या बड़ा है, इसमें बड़ा है 37/41। 17/19 और 119। देखो 17 के टेबल में ये दोनों आता है, 19 के टेबल में नहीं आता, क्योंकि न्यूमरेटर के टेबल में जो जो चीज़ आती है वो इक्वल होती है, मतलब इक्वल है, ये इक्वल है। चलिए नेक्स्ट पे चलते, मेरा सेटअप कर दूँ। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन दिस असेंडिंग ऑर्डर। फ्रैक्शंस को हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। चलिए करते हैं, फर्स्ट वाला आंसर लिखूंगा डायरेक्ट गाइस, 1/3, 3/8, 2/4 और 6/8 और 5/6। गाइस देखिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना था, हमने छोटे से बड़ा करना था, हमने ये कर दिया है गाइस। सेकंड पे चलते हैं, सेकंड का आंसर 5/16। देख सकते हैं गाइस हमारा ये हो चुका है, जो दो क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना किसी देर के, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे।
राइट द फाइव इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस सीखने हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं 3 × 2 और 5 × 2, तो हो गया ये हो गया 6/10। और इसमें हम और भी लिख सकते हैं 3/5 × 3 × 3, 3 से भी कर सकते हैं, सबसे कर सकते हैं, 9/15, 3 × 4 और 5 × 4, तो क्या होगा 12/20। ऐसे 5 से भी लिखने, ऐसे 5 आप तक लिख सकते हो, 3 × 5 × 5 × 5, 18/25, ऐसे लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है इसमें ज्यादा, 1, 2, 3, 4 और ये लास्ट 3 × 6, 5 × 6 = 30/18/30। ये हमारे 5 फ्रैक्शंस हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द सम करना है इसमें, 5/8 + 3/10। इसमें हमने एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर का और उसका। चलिए करते हैं, 5/8 × 5 करेंगे, 5 करेंगे = 25/40 और 3/10 करेंगे तो गाइस क्या करना है इसको, हमें 40 बनाना है तो 4 करेंगे और 4 करेंगे तो आंसर आएगा 12/40। अब क्या करेंगे गाइस, 25 + 12/40 आंसर अपना आ जाएगा, 25 + 12 करेंगे तो आएगा आंसर 37/40। फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 2, 4 3/4 + 9 2/5। चलिए करते हैं, 4 4 16 + 3 19/4 + 9 5 45 45 by 47/5 5, उसमें क्या आता है कॉमन, 20 आता है। चलिए सो 20 करेंगे, 2 5 2 5 19 5 85 19 5 85 होता है, देख लेते पहले, 19 5 45 95 95 sorry 95/20 और इसमें 47/5 × 4 × 4 47 × 4 7 × 4 करेंगे, 7 4 28 2 4 16 + 188 188/20 95 + 188 = 20 आंसर निकालेंगे, 188 + 95 = 9 5 + 13 = 9 + 9 18 = 283/20 आया। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपना आंसर आ गया। इसमें क्या करना है हमें, थर्ड वाले में भी प्लस ही करना है लेकिन इसमें कुछ अलग है, मतलब 5/6 + 3 + 3/4। इसमें क्या करना है, इसमें एक ही होल नंबर दिया है, इसमें 3/4 तो क्या होगा, इसमें अपॉन 1 आ जाएगा। अब 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आंसर आएगा, 24। चलिए लेते हैं, 5/6 × 6 4 = 24 6 20/24 3/1 = 24 एलसीएम लेना है, 24 ही करेंगे, 24 3 = 12 = 6 6 + 7 72 72 upon 24 and last one is 3/4 × 6
इंटू सिक्स इजिकल्स टू, इंटू सिक्स और इंटू सिक्स है तो क्या होगा 18/24, सबको प्लस कर देंगे 72 + 20 + 18/24। चलिए गाइस सॉल्व करता हूँ मैं, तो गाइस आंसर आएगा 1120/24। नेक्स्ट पे चलते हैं जो नंबर 4। हेलो गाइस, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 3/5 + 4 7/10 +2 4/15। चलिए गाइस चलते, इसमें पहले सॉल्व करना है, 2 5 10 13/5 +20 47/10 +34/15 सॉल्व करते हैं। 5 10 और 15 कौन जैसा कौन सा टेबल में आएगा, 5 10 15 फाइव के टेबल में ही आएगा ऑफकोर्स, 2 1 ऐसे क्या आएगा, 5 10 15 30 30 हो, चलिए 30 करते हैं। 13 6 13 6 78 78/30 और 47/10 × 3 × 3 47 3 गाइस अब मालूम है ना मैंने अभी करा है, 7 3 21 2 0 4 3 12 1 12 141 141/30 और लास्ट है 34/15 × 2 × 2 8 68/30 सबको प्लस कर देंगे 78 + 141 + 68 = 140 141 और फिर प्लस 78 छोटे से बड़ा लिखेंगे बड़े से छोटा और 68 78 और 68 9 9 + 8 कितना होता है 17, तो 5 + 7 12 12 + 6 18 287 287/30। अब इसमें क्या करना है गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, इसमें हमें डिफरेंस ढूंढ करना है, माइनस करना है, माइनस पता है ना गाइस कैसे करना है, −13/24 − 7/16 ऐसे कौन सा टेबल में दोनों आएगा, 4 में आएगा 24 और 16 में मेन क्या आएगा 16 और इसमें क्या आएगा 40, चलिए 2 से करेंगे इसको, 2 से करेंगे 26 और 17/16 × 3 × 3 करेंगे 21/ क्या आएगा 21/48 26 − 21/48 = 5/48। क्लियर गाइस, आप सबको ये समझ गया होगा अब तक। क्वेश्चन नंबर 6 का बंद कर दिया, क्वेश्चन नंबर 6 का 2 क्या है गाइस, वेट 23/3 − 6 करना है, इसमें क्या होगा 23/3 − 6/1 × 3 × 3 = 18/3 − 16 × 3 − 6 = 23 − 18 करो 3 − 13 − 8 = 5 ये बहुत जल्दी हो गया है, बहुत इजी था इसलिए। चले नेक्स्ट पे चलते हैं, आज मैं शायद से क्वेश्चन नंबर 10 तक कराने की कोशिश करूंगा। 18/20
-21/25, 18/20 और 21/ ऑफ कोर्स इसमें 5 में आएगा, क्योंकि 5 में ही आएगा, क्योंकि इसमें मेन क्या आएगा कॉमन, इसमें हमें 100 लेना पड़ेगा, 20 है गाइस, ये 20 × 5 × 5 = 18, 5 जा 90 upon 100, और इसमें क्या आएगा 21/25 × 4 × 4 = 84/100, माइनस करते हैं 90 − 84/100, 90 − 84, 10 − 4 = 6, 8 − 0 = 6/100, क्लियर गाइस, 6/100 गाइस 2 से करेंगे, 2 × 3 = 6, 200, 250 = 100, 50 = 3/50 गाइस, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ वन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 3 × 3/10 −7/15, 2 × 7/14, सॉरी गाइस, 50 × 53/10, और इसमें क्या करें −2 × 15 = 15, 30 × 37/15, चलिए गाइस 30 होगा गाइस, ले सकते हैं 30 ले सकते हैं, 53/10 × 3 × 3 करेंगे, 53 × 3 = 9, 159 upon 37 का लेंगे, 37 × 15 = 15, 15 × 2 = 37, 2 = 37, 2 = कर लो जल्दी से कर लीजिए गाइस, 14 = 3 × 2 = 6, 74 आएगा, तो 74/30 आएगा शायद गाइस, कुछ गलती तो नहीं हुई, देख लीजिए जल्दी से, 2 × 7 = 14 और 74 ही आएगा गाइस, कोई गलती नहीं हुई है, 159 − 74 = 2/30 कितना होगा आंसर, 159 − क्या है 74, 9 − 4 = 5, 15 − 7 = 8, 0, 85, 85/30, 5 इसमें सॉल्व करेंगे इसको, 5 से कर 17/30, 17/6, 6 हो जाएगा, 17/6, अब 5 गाइस अपना आंसर आ गया है 17/6। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नई वीडियो में, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके मैंने पूरे क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरा करा दिया, अगले वीडियो में मिलता हूँ।